जो वाणी की देवी है वो है माता सरस्वती की। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ स्पीच, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ एबिलिटी ऑफ योर क्रिएटिविटी एंड योर आर्ट, ये सब निर्भर करता है माता सरस्वती। यदि शब्द आपने अच्छे बोले, एक से एक शब्द अच्छे से अच्छे बोले, दिमाग बहुत बेहतरीन चल रहा है, हर चीज आपकी पॉजिटिव चल रही है, शरीर आपका एकदम फिट है, एकदम हेल्दी है, कोई शरीर में रोग नहीं है, हर किसी के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत बेहतर है, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत बेहतर है, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी ऑफ योर प्योर माइंड, ये सब होता है किसकी कृपा से? माता सरस्वती की कृपा से। अगर माता सरस्वती की कृपा नहीं रही, सबसे पहले दिमाग आपका भ्रष्ट होगा, दूसरा जीवा से एब्यूसिव लैंग्वेज, बुरे शब्द, बुरे शब्द, और देखना बदले की भावना कितनी तुरंत 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 होती जाती है, एक मीठे शब्द हृदय से हृदय मिल जाता है, लेकिन एक एब्यूसिव वर्ड, वन स्मॉल रॉन्ग डर्टी चीप लैंग्वेज, आपकी स्पीच, एक गलत स्पीच, इमीडिएट सामने वाले के अंदर बदले की भावना क्रिएट कर देती है। फिजिकल लेवल पे अगर देखा जाए, जब भी थ्रोट चक्र चोक हो जाता है, आखिर ये थ्रोट चक्र को हम संस्कृत वर्ड में क्या बोलते हैं? द संस्कृत वर्ड इज विशुद्ध चक्र। विशुद्धि क्यों कहा गया? शुद्धि, आपकी जीवा की शुद्धि, दिमाग की शुद्धि, आपके नॉलेज की शुद्धि, आपके शरीर की शुद्धि, आपके थॉट्स की शुद्धि, द प्योरिटी ऑफ योर माइंड, द प्योरिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब चीजें जाती हैं जस्ट इफ यू आर प्योर सोल। लेकिन जिसके अंदर प्योरिटी नहीं है, जिनकी स्पीच में, जिनकी वाणी में शुद्धि नहीं है, वो कभी तरक्की नहीं करेगा जीवन में, वहां कहीं पे भी मान नहीं मिलेगा, होगा पैसे वाला, नो डाउट, लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी, लेकिन माता सरस्वती की वहां कृपा नहीं होगी, जहां पे जीबा में गाली गलौज है, एब्यूसिव लैंग्वेज है, चीप लैंग्वेज है, फिल्थी लैंग्वेज जो यूज करता है, उसके पास कोई बैठता है? यू डोंट फील लाइक सिटिंग विद सच पीपल हु स्पीक एब्यूसिव लैंग्वेज, हु स्पीक्स चीप लैंग्वेज, लगता है यहां से तो फिजिकल लेवल पे अगर देखा जाए कि जब भी हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया, तो सबसे पहले हियरिंग पे इफेक्ट करेगी, स्पीच बुरी चलने लगेगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, जब भी लगा थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो रहा है, लॉक जॉ, कई बार मुंह बंद हो जाता है ना, मुंह खुलता नहीं है पूरी तरह से, कई बार जो है माउथ में, टंग में अल्सर हो जाते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, एंड थायराइड ग्लैंड में टॉन्सिल, ये सब कनेक्टेड है आपके इस थायराइड ग्लैंड की वजह से, विशुद्धा चक्र जिसको बोलते हैं, प्यूरिटी ऑफ योर थ्रोट, प्यूरिटी ऑफ योर स्पीच, प्यूरिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, आप अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करोगे? इसी से होता है, नहीं समझ में आया, लेकिन यही से हो रहा है, तो ये माता सरस्वती की कृपा है हम पे, इट इज एट द बेस ऑफ योर थ्रोट, आपका लैरिंगस, फेयरनेस, ये सब खराब हो जाता है अगर आपका थ्रोट चक्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मेंटली तो नो डाउट आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, आप क्या सोचते हो हर बात आपको नेगेटिव दिखेगी, सामने वाले की हर चीज आपको नेगेटिव दिखती है, समझ जाना कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, थ्रोट चक्र में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मेक श्योर कि आपका थ्रोट चक्र हमेशा अच्छा हो। सबसे ज्यादा गंदा कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा गॉसिप करते हो, कुछ लोग होते हैं ना बहुत बोलते हैं, हियरिंग नहीं, दे वांट टू जस्ट स्पीक स्पीक एंड स्पीक, दे नेवर गिव हियरिंग इयर्स, दे नेवर गिव लिसनिंग इयर्स। अगर आपका ये थ्रोट चक्र बहुत ही अच्छा है, विशुद्धि चक्र अगर आपका पावरफुल है, तो सबसे पहले आप हियरिंग इयर्स दोगे, यू विल गिव लिसनिंग इयर्स, देन यू विल गिव योर स्पीच लैंग्वेज, कि हाँ मुझे अब बोलना है, गॉसिपिंग लैंग्वेज नहीं रहेगी, कुछ अच्छे शब्द कि ओके, एंड देन यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग,
कि मेरा ये कहना है, आप पहले मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी कहना चाहो आई एम रेडी, और उसके बाद कुछ कहने की बारी नहीं होती है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से एक्सप्रेस किया अपने फीलिंग को, अपने स्पीच से उसे बहुत सुंदरता से समझा दिया, मान भरे शब्दों से, कहीं अपमान भरे शब्द नहीं थे, और आपने उसको पहले लिसनिंग ईयर दे दिया। तो सबसे पहले लिसनिंग ईयर देना सीखो, सामने वाले को हियरिंग ईयर देना सीखो, उसके बाद अपनी स्पीच चालू करो। शांत स्वभाव, व्हेन योर माइंड इज कूल एंड काम, एंड देन व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स, दैट सेज यू आर हैविंग अ परफेक्ट कम्युनिकेटिंग स्किल। लेकिन अगर सामने वाला बोले उससे पहले अगर हम बोल पड़ते हैं, गड़बड़ है आपके सोच, ऊंचा ऊंचा बोलना, चिल्ला के बोलना, और कई बार होता है लो वॉइस, बहुत बारीक आवाज होती है सामने वाले की, यहाँ पे भी गड़बड़ी है, ऊंचा बोला तो भी गड़बड़ है, नीचा बोला तो भी गड़बड़। सो देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज लैक ऑफ एबिलिटी इन योर क्रिएटिव स्किल्स, स्पीच, हियरिंग, ये सब में गड़बड़ होती है जब आपका थ्रोट चक्रा बिगड़ जाता है। कैसे ठीक होता है थ्रोट चक्रा? एट द बेस, जहाँ पे गड्ढा फिट है, यहाँ पे जब भी लगा आवाज बैठ गई, जब भी लगा थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, टॉन्सिल हो गया है, माउथ में अल्सर हो गया है हमको, कई बार हियरिंग लॉस हो जाती है हमारी, कई बार जो है लॉक जॉ हो जाता है हमारा, ड्राई कॉफ हो जाता है, बस इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखना है और उसको हमारे अपने बॉडी में इतनी एनर्जी है चार्ज करने के लिए कि हमारा थ्रोट चक्रा क्योर हो जाता है। बाय टचिंग दिस एंड यू हैव टू से हम, Thank you.